हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू ब्रांड न्यू सेशन ऑफ स्टॉकर्स लर्न एंड अर्न। चलिए देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है, कौन से सुपर सेटअप्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं पहले बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपन होता है और ये काइंड ऑफ अ ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना रहा था और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना रहा था और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है कुछ यहाँ पे और ये एक जोन में हायर हाई एंड हायर लो का पैटर्न बना के एक अपने लोअर पॉइंट पे आके रुक चुका है। अब इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ये एक लेवल है जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और कल अगर ये अपने हाई को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हमें ये वाला लेवल मिल सकता है, बट अगर ये इस जोन को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली पहला हमारा टारगेट EMA 50 होगा और सेकंड टारगेट EMA 200 होगा। और अगर थोड़ा लेट आता है और EMA 200 कहीं यहीं पे रुक जाती है तो डेफिनेटली हमें तीसरा टारगेट 38300 भी मिल सकता है, 300 पॉइंट का डाउनफॉल आ सकता है। और अगर बहुत मेजर रैली होती है तो इस पॉइंट के जाने के बाद ये गैप भी फिल हो सकता है, आज नहीं तो कल गैप फिल हो जाएगा, नॉट सो बिग डील। कल थर्सडे एक्सपायरी भी है तो मे बी एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट आज एक मोमेंटम हो चुका है जैसे मैंने कल बताया था। तो आई विल सजेस्ट कि क्वांटिटी हाफ रखिएगा, कल मार्केट में भी वॉलेटाइल हो, अगर वॉलेटाइल हुआ तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, बट अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हम आउट ऑफ द मनी यू कैन से 38800 का CE लेंगे क्योंकि थर्सडे है, आउट ऑफ द मनी लेना पड़ेगा। और अगर ये डाउनफॉल होता है तो 38300 का PE ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छे लेवल्स पे दिख रहा है तो इसको अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हैं। अटके मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी 50 भी एक अपने उसी जोन में बनाया है, बट निफ्टी में अलग ये है कि ये निफ्टी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है और अगर ये कल इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा, ये हमारा टारगेट सेकंड रहेगा। और अगर थर्ड टारगेट की बात करूँ तो ये भी हमें इसी पॉइंट में मिल सकता है, बट अगर कल ये इसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ डेफिनेटली ये टारगेट तो हमारा कहीं नहीं गया और सेकंड टारगेट हम इसको बना सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा EMA 50 एंड EMA 200 बहुत पास है, यह काइंड ऑफ अ सपोर्ट भी ले सकता है। और अगर मैं बाइंग की बात करूं तो अगर आप बाय की तरफ जा रहे हैं तो 1770 का CE जो कि है आउट ऑफ द मनी, और अगर नीचे की तरफ बात करूं तो 17300 का PE जो कि आउट ऑफ द मनी है क्योंकि थर्सडे है, एक्सपायरी है, एक मोमेंटम आज आना था जो आ चुका है जो मैंने कल आपको बता दिया था। तो माइट भी कल थोड़े वॉलेटिलिटी क्रिएट करके एक ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मोमेंटम दे सकता है, इसको हम अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे, बट 11:30 के बाद ही हमें एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। अगर वो मिलता है तो वो सस्टेन करेगा, अगर इससे पहले मिलता है तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। चलिए कुछ स्टॉक्स लिखते हैं। पहला स्टॉक है टाटा स्टील। टाटा स्टील एक बहुत ही अच्छे लेवल पे है, ये जोन टाटा स्टील के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ट्रेंड लाइन एक आ रही है। अगर ये कल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये वाला टारगेट हमें मिल सकता है, और अगर ये ऊपर की तरफ आके इस जोन को ब्रेक करता है डेफिनेटली जहाँ से ये उठा था 1235 यहाँ के हमें टारगेट्स मिल सकते हैं। अगला स्टॉक है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स भी एक ट्रेंड लाइन और एक ये जोन इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये जोन को ब्रेक करता है तो EMA 200 हमें फर्स्ट टारगेट मिल सकता है, और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली 3-40 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और 3-50 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। अगला स्टॉक है हमारा TCS। अगर मैं TCS की बात करूँ, TCS आज बहुत ही ज़्यादा देर एक इसी जोन में रहा है। अगर मैं इस जोन की बात करूँ तो 2 घंटे 15 मिनट के लिए ये इसी जोन में रहा है, तो डेफिनेटली एक मोमेंटम देने के लिए तैयार हो रहा है। अगर ये इसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो डेफिनेटली हमें ये टारगेट मिल सकता है, अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हमें ये टारगेट और ये वाला टारगेट भी हमें मिल सकता है। तो ट्रेड अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है, ये एक फ्लो में भी जा सकता है ऊपर या नीचे, इसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर मेकिंग द पार्ट ऑफ द वीडियो, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। Boom.